हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान तरीके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूं भोजन पचाने के 4 आसान घरेलू उपचार। जी हां, अगर आपको भी खाना पचाने में दिक्कत हो रही है, आपका भी जो है खाना समय पे नहीं पच पा रहा है, तो ये टिप्स अपना कर आप आराम से जी सकते हैं आसान लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे एक बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, तो इससे ये होगा कि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला नुस्खा है अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक से हम भोजन को आसानी से पचा सकते हैं। अगर आपको अपच परेशान कर रही है तो अदरक इसका रामबाण उपाय है। अदरक को आप इन तरीकों से लेकर अपच से छुटकारा पा सकते हैं। आपको अपच की समस्या है तो थोड़े से अदरक को छील कर धो लें। अब इसे कूटें और 1 कप में इसका रस निकालकर शहद 1 चम्मच हर रोज पिए। आपको निश्चित रूप से तुरंत राहत मिलेगी। अदरक को पतला पतला काटें या नींबू के रस में नमक मिलाएं, 1-2 घंटे भिगो दें। अब इन टुकड़ों को अपने मुंह में रखें और चबाएं। इसे एकदम से ना निगलें, बल्कि चबाते हुए इसके रस को अपने पेट में जाने दें। ये अपच से राहत पाने में मदद करता है। दालचीनी। कुछ लोग चाय में दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो कुछ इसे मसाले के रूप में अपनाना पसंद करते हैं। दालचीनी हर घर में मौजूद होती है। दालचीनी सुगंधित, पाचक, उत्तेजक, बैक्टीरिया रोधी होती है। ये पाचन क्रिया को सुधारती है व पेट में बन रही गैस से भी निजात दिलाती है। इसे चाय के रूप में बनने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालें और उसे कुछ मिनटों के लिए उबलने दें, फिर इसे पी लें। इससे काफ़ी राहत मिलेगी। सौंफ। सौंफ हमेशा पाचन क्रिया को सुधारने में फायदेमंद रही है। अपने पेट को शांत रखने के लिए खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ अपने मुंह में डालें व इसे अच्छे से चबाकर खाएं। आप सौंफ के साथ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुगना फायदा होगा। अपच संबंधी विकारों में सौंफ बेहद उपयोगी है। बिना तेल के तवे पर तली हुई सौंफ और बिना तली सौंफ के मिक्सचर से अपच के मामले में बहुत लाभ होता है। आधी कच्ची सौंफ का चूर्ण और आधी बुनी सौंफ के चूर्ण में हींग और काला नमक मिलाकर 2 से 6 ग्राम मात्रा में दिन में 3-3 बार प्रयोग कराएं। इससे गैस और अपच दूर हो जाएगी। एलोवेरा। एलोवेरा जैसी जड़ी बूटी का नियमित सेवन करने से अपच से छुटकारा पाने में जल्दी राहत मिलती है। साथ ही एलोवेरा जूस पीने से पेट के कई रोग दूर होते हैं। ये पाचन तंत्रिका को मजबूत बनाता है और शरीर में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अपच के दौरान दिन में 2 बार 10 से 20 मिलीलीटर ताजे एलोवेरा जेल को पिए और अपच की समस्या हो जाने पर थोड़े से एलोवेरा पल्प यानी कि गूदे में 1/2 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से इस समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाता है। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पेट संबंधी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये टिप्स कैसा लगा, आपने ये टिप्स अपनाया और आपको कुछ असर हुआ या नहीं, ये ज़रूर मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।